एक बात कहें रतलाम वालों, जरा अच्छे से सुनना। बेटा अगर गलत मार्ग पर जा रहा है, बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बच्चे अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, घर का कोई सदस्य कहीं मदिरापान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं डब्बा में, कहीं आधिकाधिक गलत मार्ग पर पड़ रहा है, जुआ खेलने बैठा है, पत्ते खेलने बैठा है, कुछ गलत काम करने बैठ रहा है, और तुमको थोड़ी सी भी भनक लग जाए, थोड़ी सी भी भनक लग जाए कि ये व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, संभलना। और संभलना क्या? प्रयास करना उसको सत्संग तक ले जाना, उसको कहीं कथा तक, सत्संग तक, मंदिर तक, देवालय तक, शंकर के दरवाजे तक लेकर जाने का प्रयास। गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अगर शंकर भगवान पर एक लोटा जल मात्र, थोड़ा सा इत्र डालकर, कोई भी इत्र जो तुम्हारे पास में हो वो डालकर, अगर इत्र भी ना मिले तो किसी फूल की पंखड़ी को डालकर शिव को समर्पित करने लगता है, महीना भर लगता है, उसका मार्ग विभाजन हो जाता है, गलत मार्ग से सत मार्ग की ओर चले जाता है। आप उसको शिव भक्ति में लगा दो, आप उसको शंकर की भक्ति में लगा दो, आप उसको शिव स्मरण में लगा दो, आप उसको शिव भक्ति की ओर लेकर चले जाओ। जितने प्रयोग बताए जाते हैं, जितने यहाँ से उपाय बताए जाते हैं, ये उपाय, ये प्रयोग, ये सारे जो प्रयोग हैं, उपाय हैं, ये ध्यान देना, ये दूसरों से कराने के नहीं, अपन को खुद को करना पड़ता है। जो गलत मार्ग